हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ़ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स स्टडी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ़ क्लास सिक्स साइंस ये केंद्रीय विद्यालय एनअल एग्जाम का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपका पेपर मैं आपको दिखा दूंगी साथ साथ करेक्ट आंसर्स भी बता दिए जाएंगे ताकि एक तरीके से आपके सभी चैप्टर्स की क्विक रिविजन भी हो जाए थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा कितने आप प्रिपेयर हैं और कितने आगे, आगे आपको प्रिपरेशन करनी है मैथ्स का पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ ये साइंस है इसके बाद संस्कृत हिंदी इंग्लिश जितने भी बच्चे हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे उनको आप मिस ना करें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ओके लेट्स बिगिन नाउ सो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक सभी क्वेश्चन कंपल्सरी है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशंसी ऑफ डैश इन आर फूड हमारे खाने में किसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से वाइटमिन की जो डिफिशेंसी डिजीज़ है आपकी वो ज़रूर एग्जाम में आती है कुछ तो ये है होता है ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ वाइटामिन ओके नेक्स्ट इज़ वन मीटर इज़ हंड्रेड सेंटीमीटर्स ये तो मैथ्स में भी आप जानते होंगे नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल्स टू टर्मिनल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल आपकी जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कि इसमें पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर्स इन टू वाटर इज कॉल्ड वाटर से वाटर वेपर बनती है हीट उसको हीट करने के बाद गर्म करने के बाद और जब वाटर वेपर से वाटर बनता है दोबारा से उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन या आपने जब वाटर साइकिल पढ़ा था उसमें भी पढ़ा होगा पहले इवेपोरेशन होता है फिर कंडेंसेशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश गैस हेल्प्स इन बर्निंग कौन सी गैस है जो कि बर्निंग में हेल्प करती है सो so, स्पेस कम है दिस इज ऑक्सीजन ओके नेक्स्ट इज राइट ट्रू एंड फॉल्स ट्रू फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट सबसे पहले मीट अलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आर बॉडी बिल्कुल फॉल्स है मीट में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और अगर रीजन पूछेंगे क्यों है क्योंकि ऑल न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको बैलेंस डाइट खानी होती है यहाँ पर कई बार ये देखें राइस अलोन सिर्फ राइस से हो जाएगा है ना तो इनमें राइस में अगर आप देखें इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो सभी नहीं होते ओके नेक्स्ट इज द दई यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर्स दिस इज फॉल्स एस आई यूनिट जो है लेंथ मेजर करने की दैट इज मीटर्स नेक्स्ट इज इज सॉरी सन इज अ ल्यूमिनस बॉडी सन ल्यूमिनस बॉडी है दिस इज एप्सोल्यूटली ट्रू अपनी लाइट होती है जिसको रिफ्लेक्ट करता है नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो uh, करने के लिए क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है जिसको कंडक्टर की जरूरत होती है और मेटल गुड कंडक्टर से तो यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल एब्सोल्युटली फॉल्स मैग्नेट को मैग्नेट जो रबर को अट्रैक्ट नहीं करती ये आपके ट्रू फॉल्स हैं आगे आते हैं मैच द फॉलोइंग आइटम गिवन इन कॉलम ए दैट इन कॉलम बी सबसे पहले है आयरन आयरन आपका मैग्नेटिक मटीरियल है ड्रॉट सूखा जिसको आप बोलते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रेन बारिश की कमी से होता है एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं प्लास्टिक आपका एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है नेक्स्ट इज बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है तो ये आपकी मैचिंग हो गई क्वेश्चन पेपर में ट्रू फॉल्स मैचिंग फिर द ब्लैंक्स ये आते ही है जैसा आप पहले ईवीएस में भी देखते थे नेक्स्ट इज आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये तो इस बार और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहला है इसमें वॉट काइंड ऑफ मोशन डज पेंडुलम हैव आपके ऑप्शन हैं रोटेशनल रेक्टीलिनियर पीरियोडिक रिवोल्यूशनल तो ये है पीरियोडिक इसमें मोशन होता है इफ़ द सन इज अबव योर हेड द शेडो फॉर्म्ड वुड बी अगर सन बिल्कुल आपके सर के ऊपर है तो शेडो जो फॉर्म होगी वो शॉर्टेस्ट होगी लॉन्गेस्ट समटाइम्स और समटाइम्स का तो कोई वो है ही नहीं हमेशा शॉर्टेस्ट होती है जब आपके सर के ऊपर यानी कि दोपहर में आपकी शेडो सबसे छोटी होती है हेवी रेन में कॉज जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है फ्लड यानी कि बाढ़ आती है ड्रॉट रेनलेसनेस ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है बोथ या फिर एन बी फ्लड आती है उस टाइम द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एटमोसफियर सबसे ज्यादा आप जानते हैं नाइट्रोजन ही है which is 78%, तो आंसर सही है। 21 है। 1 है आपकी ऑक्सीजन लगभग आर्गन आपका, अप्रॉक्स ओके फिफ्टी परसेंट कोई गैस नहीं है तो ऑक्सीजन का भी पूछा जा सकता है आपसे वो ट्वेंटी है कि जो आपके वॉम्स होते हैं कहीं वो आपने जो सब्जी वगैरह जो वहाँ पर डाली है उसको डीकम्पोज कर देते हैं और उसके बाद आपका वो कंपोस्ट बनता है तो किससे होता है हाउस फ्लाई मक्खी कॉकरोच बटरफ्लाई या फिर रेड वॉम रेड वॉर्म करेक्ट है रेड वेगुलर्स इनको बोलते हैं वाइट वॉर्म्स भी होते हैं रेड वाम वाइट वॉर्म या फिर अर्थ वार्म ये आपका वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट इन वन वर्ड और वन सेंटेंस वन वर्ड या वन सेंटेंस में आपको आंसर करना है नेम सबसे पहले नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड नेम द प्रोसेस तो फूड जिस जिस पार्ट में बनता है दैट इज कॉल्ड लीव्स लीव्स में बनता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस फोटो सिंथेसिस ये तो इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा तो किलो, सबसे छोटा तो मिलीमीटर होता है तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर देन किलोमीटर और मैं आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए दस मिलीमीटर मिलके एक सेंटीमीटर बनाते हैं फिर हंड्रेड सेंटीमीटर मिलके वन मीटर बनाते हैं उसके बाद वन थाउजेंड मीटर्स मिलकर किलोमीटर बनाते हैं यानी कि पहले टेन फिर हंड्रेड फिर थाउजेंड ओके अगला क्वेश्चन है इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर तो इसका क्योंकि उन्होंने वन वर्ड में बोला आप नो भी लिख सकते हैं लेकिन रीजन लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज इमेज इज फॉर्म बाय मिरर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट इमेज इज़ फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके किसी ऑब्जेक्ट से लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तब जाके इमेज आपकी बनती है मिरर में क्योंकि लाइट ही नहीं है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी इसलिए मिरर में इमेज नहीं बनेगी तो आपको दिखाई नहीं देगी ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विच इज बिल्ट इन टू दैम जिनके अंदर इन बिल्ट स्विच होते हैं ऐसे दो इलेक्ट्रिक गैजेट्स के नाम आपको लिखने हैं आपके घर में टॉर्च अब आप मैं आपने देखा होगा उसमें होता है उसके बाद फैन टेबल फैन में होता है फैन में होता है टीवी में होता है रेडियो में होता है है ना आयरन जो है आप स्त्री करते हैं उसमें होता है तो इन सब में आपके स्विचेस होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर एयर में गैसेस का कॉम्पोजिशन बताना ये पहले भी आ चुका है सबसे पहले नाइट्रोजन होती है नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट देन ऑक्सीजन अप्रॉक्स ट्वेंटी वन परसेंट अदर गैसेस लेस देन जीरो पॉइंट वन सेवन है आर्गन आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें अप्रॉक्स वन परसेंट होती है वैसे जीरो पॉइंट नाइन है से थोड़ी सी ज्यादा होती है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट गैस है इसलिए आप इसको लिख सकते हैं बस यह आपका कॉम्पोजिशन है एयर का जिस क्योंकि एयर अलग अलग गैसेज का मिक्सचर होती है आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट इन अबाउट वन और टू सेंटेंसेज ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू सॉरी नेम टू फूड ईच रिच इन फैट्स एंड स्टार्च दो फूड के नाम लिखिए एक जो फैट में रिच है एक जो स्टार्च में रिच है दो मतलब जो सो so ऑयल आपके जितने भी फैट्स है, होते हैं सभी में और घी लिख दीजिए मक्खन ये सब स्टार्च किस किस में होता है राइस में होता है एंड पोटैटो में होता है ये दोनों ही इनमें काफी ज्यादा स्टार्च होता है तो इन दो को आप स्टार्च के लिए याद रखेंगे इनको फैट्स में तो आप वैसे भी काफी आंसर्स कर सकते हैं आगे आते हैं गिव टू एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड एंड वाटर वेरी इजी क्वेश्चन लैंड पे आप रिक्शा लिख दीजिए बसेज लिख दीजिए कार्स लिख दीजिए वाटर में शिप लिख दीजिए एंड छोटी डिस्टेंसेज के लिए बोट लिख दीजिए ओके okay? चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन है ड्रॉ एंड लेबल पिनहोल कैमरा अब क्योंकि मेरी ड्रॉइंग बहुत अच्छी नहीं है बट स्टिल चलिए यहाँ पर एक आप बलून बना दीजिए फिर कोई भी एक चीज़ पिनहोल कैमरा में आप जानते हैं जो इमेज uh, है अंदर वो अप साइड डाउन उल्टी बनती है यहाँ पर आप एक बॉक्स टाइप बना दीजिए एक सेकेंड दिस इज द बॉक्स उसके बाद यहाँ से लाइट यहाँ पर एक होल होता है इसमें यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है एंड इसमें जाके जो ये बड़ी इमेज बन रही है आपके इसकी उल्टी बनती है बलून की ओके okay? अब ये आप लिखेंगे एक सेकेंड अब इसको वो भी करना है लेबल भी ये है ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी आप लिखना चाहें ये है लाइट रे लाइट रे दिस इज बॉक्स दिस इज स्क्रीन ओके और ये है अपसाइड डाउन इमेज उल्टी इमेज इमेज एंड दिस इज होल होल ओके okay, तो इस तरीके से अगर पेनोल कैमरे का आएगा तो इस तरीके से आप बना देंगे एक बॉक्स जैसा ये कुछ भी जो आपको लगे आप यहाँ ट्री भी बना सकते हो और उसकी यहाँ पर उल्टी इमेज छोटी थोड़ी अगला क्वेश्चन है आपका चलिए वॉट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच लोग इलेक्ट्रिक स्विच यूज क्यों करते हैं सो इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज टू कंप्लीट और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू कंप्लीट या तो सर्किट पूरा होता है कंप्लीट जिसमें कि सप्लाई होती है आपकी उसमें इलेक्ट्रिक गैजेट में इलेक्ट्रिसिटी की या फिर और ब्रेक आ, ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट ओके ताकि आप अप्लायसेस को अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से ऑन या ऑफ कर सके उसके लिए इसमें स्विचेस लगाए जाते हैं कूलर है चला हुआ है अगर आपने ऑन किया तो वो स्विच कंप्लीट हो वो आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है कंप्लीट हो जाएगा वो चलने लगेगा आपने ऑफ किया तो ब्रेक हो जाएगा और फिर वो बंद हो जाएगा तो ये मेन पर्पज है इसका ओके अगला क्वेश्चन है वेयर आर द पोल्स ऑफ अ बार मैगनेट लोकेटेड तो पोल मैगनेट में पोल्स जो होते हैं मैग्नेट में वो आपके एट द एंड होते हैं उसके एट द टू एंड्स ये तो आसान ही क्वेश्चन है जैसे अर्थ के भी जो पोल्स हैं वो दोनों अर्थ के भी जो पोल्स हैं वो दोनों एंड्स पर हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट के भी दोनों पोल पर होते हैं आपके दोनों एंड पर होते हैं पॉजिटिव सॉरी साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल नेक्स्ट इज हाउ इज हाउ द वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी मिनिमाइज्ड अब ये टू मार्क का क्वेश्चन है दो इसमें लिख दीजिए पॉइंट सबसे पहले तो रीयूज़ करिए वाटर को रीयूज वाटर अगर आपने किसी में मान लीजिए वेजिटेबल वॉश की है तो उसको आप फिर पौधों में डाल सकते हैं या फिर आ, किसी में कपड़े धोए हैं उसको घर की सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले तो ये दूसरा है आपका कि वाटर कंजर्वेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी लिख सकते हैं बारिश जब होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग तब आप उस पानी को हार्वेस्ट कर लीजिए बाकी और तो बहुत हो सकते हैं जो आपने बचपन में पड़े होंगे ब्रश कर रहे हैं तो टैप टर्न ऑफ कर दीजिए बकेट यूज करिए नहाने के लिए ना कि शावर एंड ऑल थिंग्स ओके बट ये दो मेन पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर अगला क्वेश्चन है आपका टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स पीपल ओफन ब्रीद लेड ऑन ब्रीद ऑन ग्लासेस टू मेक दम वेट आपने देखा होगा लोग जब अपने स्पेक्स साफ करते हैं उनके ऊपर पहले ब्रीद करते हैं और फिर जिससे वो वेट हो जाता है थोड़ा सा उसके बाद क्लीन करते हैं एक्सप्लेन वाई ग्लासेज बिकम वेट या आप फिफ्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड में सो द द एयर कमिंग आउट फ्रॉम आर माउथ आपके मुंह से जो एयर uh, आती है कमिंग आउट फ्रॉम आर माउथ कंटेन उसमें गैस तो होती है सीओ टू लेकिन वाटर वेपर्स भी होती है कंटेन वाटर वेपर्स और वाटर वेपर जब आप जानते हैं किसी ठंडी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो कंडेंस हो जाती है इट कंडेंसिस कंडेस वेन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद कॉन्टेक्ट विद स्पेक्टेकल्स जब स्पेक्स के कॉन्टैक्ट में वो आएगी तो फिर वो स्पेक्टेकल्स कंडेंस हो जाएगी और आपको उस पर वॉटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है जिससे फिर आप अपने चश्मे को साफ कर सकते हैं ओके नेक्स्ट इज वाई डंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर क्योंकि जो कॉटन का एक लंप होता है जो आप बनाते हैं कॉटन को इकट्ठा करके उसको उसके बीच में बहुत सारी एयर ट्रैप्ड होती है और जब आप उसको पानी में डालते हैं उस एयर की जगह वाटर ले लेता है तो उसके बाद वो श्रिंक हो जाती है तो आंसर आप कैसे लिखेंगे द लंप ऑफ कॉटन वुल हैज लॉट ऑफ एयर ट्रैप्ड इनसाइड द स्पेस बिटवीन फाइबर्स अपने देखो कॉटन अगर देखे हुए बहुत फ्लफी होती है रूई जिसको आप कहते हैं और उस क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी हवा होती है जब आप उसको पानी में डालेंगे तो हवा की जगह पानी आ जाता है और वो सिकुड़ भी जाती है और उसके बाद अगर पानी आप निचोड़ भी दे थोड़ी देर पानी वो रहेगा तो और बहुत छोटी भी हो जाती है श्रिंक भी हो जाती है ओके वेन इट इज़ इमर्स्ड इन वाटर एयर इज रिप्लेस बाई एयर इज दैन एयर इज रिप्लेस्ड बाई वॉटर बस ओके ड्यू डाउन चलिए आगे आते हैं इफ यू एंड योर फ्रेंड आर गिवन चॉइस ऑफ ईटिंग प्लास्टिक प्लेट ईटिंग इन प्लास्टिक प्लेट और अ बनाना लीफ प्लेटर एट अ पार्टी बनाना लीफ की प्लेट पर बनी हुई या फिर एक प्लास्टिक की प्लेट पर बनी हुई उस दोनों में से आपको किसको किस पे आप खाएं या आपको ऑप्शन दिया जाए एक पार्टी में आप और आपके फ्रेंड है विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई आप किसे प्रेफर करेंगे और क्यों तो प्लास्टिक के बारे में आपने फिलिंदा ब्लैंड में भी देखा था कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और बनाना लीफ क्या है सबसे पहले तो कोई इसका हार्मफुल हार्मलेस सब्सटेंस है एंड कैन बी मेक मेन्योर बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग आप उससे कंपोस्ट भी बना सकते हैं मेन्योर भी बना सकते हैं बनाना लीफ से अब आप इसको खुद लिख लीजिएगा कि वी वुड प्रेफर टू ईट फूड इन बनाना लीफ प्लेटर बिकॉज दिस इज हार्मलेस एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू मैनी ऑर बट द प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल बायो डिग्रेडेबल ओके इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए आगे आते हैं आंसर द फॉलिंग क्वेश्चन इन थर्टी फाइव टू फोर्टी वर्ड्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं आपके थ्री मार्क के फर्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड लेबल इट्स पार्ट ये तो क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है एग्जाम में आता ही है फ्लावर की पिक्चर ड्रॉ करिए और इसके पार्ट्स को आपको लेबल भी करना है अब ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है बट थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती दे हूँ वैसे आपकी बुक का ही क्वेश्चन है आप पहले तो लीफ बनाएंगे ऐसे ओके बीच में या फिर मैं आपको एक बना बनाया दिखा देती हूँ वेट अ मिनट ये देखिए ये आपका डायग्राम है पूरा वैसे आपने बनाया भी होगा आपकी बुक में भी होगा ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है देख लीजिए एक बार किस तरीके से बनाना है पार्ट्स के क्या नाम है पॉज करके हम आगे आते हैं क्वेश्चन पर दी हाइट ऑफ अ पर्सन इज वन पॉइंट सिक्स फाइव मीटर एक्सप्रेस इट इंटू सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स एक पर्सन की हाइट इतनी है सेंटीमीटर में बदलिए और मीटर में बदलिए किसी भी बड़ी यूनिट को जब आप छोटे में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और क्योंकि वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर्स होते हैं तो वन पॉइंट सिक्स फाइव मीटर्स में कितने हो जाएंगे इन टू हंड्रेड आप कर देंगे तो ये डेसिमल दो पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा यानी कि वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर्स अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलना है वन सेंटीमीटर इक्वल्स टू टेन मिलीमीटर तो ये जो सेंटीमीटर है इसको आप अब टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा ओके mm, okay. अगला क्वेश्चन है वॉट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट और एग्जाम्पल आपको देनी है सो दो मटीरियल लाइट सॉरी दैट अलाउ लाइट सम लाइट में तो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीट पूरी लाइट जो है वो पास हो जाती है उससे उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर आपको एग्जाम्पल्स देने हैं तो ग्लास एक सेकेंड ग्लास वाटर ओके ये टू एग्जाम्पल्स आपके हो गए आगे आते हैं यहाँ पर ट्रांसलूसेंट भी पूछ सकते हैं और आपका ओपेक भी पूछ सकते हैं तो डेफिनेशन आप तीनों की कर लीजिएगा और एग्जाम्पल्स भी वाई शुड एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच आर्ट योर होम इलेक्ट्रिशियंस रबर के जो ग्लव्स है वो क्यों यूज करते हैं बिकॉज सिंपल सा रीजन आप लिखेंगे रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है मतलब कि वो पास नहीं होता है डज नॉट अलाउ टाउ द करंट टू पास थ्रू इट दैट इज वाई रबर ग्लव्ल सेव इलेक्ट्रीशियन फ्राम एनी इलेक्ट्रिक शॉक ये भी लिख देना रबर ग्लव्स विल सेव फ्राम सॉरी द इलेक्ट्रिशियन फ्राम इलेक्ट्रिक शॉक दैट इज वाई दे यूज इट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबार मैगनेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल एक बार मैगनेट है आपके पास उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इत पोलोकेटेड आप कैसे पता लगाएंगे कि किस तरफ नॉर्थ पोल है किस तरफ साउथ पोल है तो इसका एक सिंपल सा आई थिंक आपकी बुक में आपको एक एक्सपेरिमेंट एक दिया हुआ है सबसे पहले क्या करिए मैग्नेट को सस्पेंड कर दीजिए बाई संग सस्पेंडिंग, सस्पेंडिंग मैगनेट फ्रीली लटका दीजिए उसको फ्रीली उसके बाद जब मैग्नेट को आप सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट बार ऑलवेज पॉइंट से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमेशा जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगा और साउथ पोल जो है वो साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा तो उसके बाद आप देख लेंगे द एंड विच इज द एंड विच इज पॉइंटिंग विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपको पॉइंट कर रहा है दैट इज़ नॉर्थ पोल सिंपल अगला क्वेश्चन है सपोज़ यू वॉन्ट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली वुड स्प्रेडिंग इट नियर एंड एन अंगीठी और हीटर हेल्प आप जल्दी स्कूल जाना चाह रहे हैं आपको जल्दी से यूनिफॉर्म सुखा सुखानी है आपने उसको किसी अंगीठी के पास अगर आप रख दें या फिर हीटर के पास तो क्या वो जल्दी सूख जाएगी अगर हाँ तो येस yes, ऑफकॉर्स जल्दी सूख जाती है और रीजन ये है दैट हायर द टेम्परेचर जितना टेम्परेचर हाई होगा टेम्परेचर फास्टर द रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि आपके कपड़े रेट ऑफ इवेपोरेशन जो आपका कपड़ा गीला था उससे पानी इवेपोरेशन जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा और आपका वो जो है वो ड्राई हो जाएगा जल्दी ओके okay? अगला क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमोस्फेयर इको में बैलेंस ही इसलिए बना हुआ है क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो गैसेज इन्हेल और एक्सेल करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है तो इसका आंसर आप लिखेंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन जब एनिमल करते हैं रेस्पिरेशन एनिमल्स टेक्स इन टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज सी ओ टू ये एनिमल्स की बात हो रही है जब वो सांस लेते हैं हम लोग भी जब सांस लेते हैं तो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं सी ओ टू ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ प्लांट्स जब सी ओ टू फोटोसिंथेसिस करते हैं मतलब खाना बनाते हैं अपना दे यूटिलाइज सी ओ टू वो सी ओ टू को यूज़ करते हैं एंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथसिस में ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे काम आ जाती है इस तरीके से हम दोनों जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं इसलिए कहते हैं पेड़ ज्यादा लगाइए ओके okay? चलिए आगे आते हैं डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कम्पोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वाई कम्पोस्ट आप हम मतलब फार्मर्स खुद बनाते हैं उनके जो प्लांट्स एनिमल्स का जो वेस्टेज है उसको यूज़ करके और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो फैक्ट्रीज में बनते हैं अब बहुत सारे रीज़न है कि क्यों हमें कंपोस्ट यूज़ करना चाहिए एक तो हम लोग खुद प्रिपेयर कर सकते हैं थोड़ा सा लेस कॉस्टली है केमिकल फर्टिलाइजर्स कॉस्टली है बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते दूसरी चीज़ कि ये बायोडिग्रेडेबल है आपकी मिट्टी में मिल जाएगा ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसकी वजह से सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन होता है आपने उसमें अपने खेत में कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिया उसके बाद बारिश हुई वो बह के पानी में चला गया उसकी वजह से ये वाटर पोल्यूशन का एक रीज़न ये भी है आपको पता होना चाहिए जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स ये जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करने लगे हैं तो इससे पोल्यूशन होता है ये बायोडिग्रेडेबल है उसके बाद ये फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है लेकिन इसकी वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देती है और लैंड कई बार बैरन भी हो जाती है अगर आप कई सालों तक एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते रहे उस फसल को अच्छा करने के लिए तो ज़मीन आपकी बंजर हो जाएगी ओके okay? तो ये डिफरेंसेस हैं कि आपको कंपोस्ट यूज़ करना चाहिए आप इसको पॉइंट्स में लिख दीजिए जैसे भी लिख दीजिए आगे आते हैं कि कंपोस्ट इज़ इको फ्रेंडली एंड हार्मलेस और जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो नेचुरल डी जो है सॉइल का उसको अफेक्ट करते हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं इनसे जो आप फसल उगाएंगे वो हमारे लिए अच्छी होती है राधा दैन दिस इनसे बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती है जो आप केमिकल फर्टिलाइज़र से उगाते हैं अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है फाइव मार्क का एक क्वेश्चन है राइट इन अबाउट फिफ्टी टू सिक्सटी वर्ड्स यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप हाउ विल यू मेक इट इन टू मैगनेट लोहे की आपको एक स्ट्रिप दे दी गई है उसको मैगनेट बनाइए आप कैसे बनाएंगे पूरा प्रोसेस ये है सबसे पहले तो क्या करेंगे प्लेस द आयरन स्ट्रिप ऑन अ टेबल एक टेबल पे रख दीजिए देन लिफ्ट द मैग्नेट मैग्नेट को लिफ्ट करिए एंड ब्रिंग द पोल टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड मूव इन द डायरेक्शन एज बिफोर ये देखिए मान लीजिए ये आपकी आयरन स्ट्रिप है जो आपने रखी हुई है ये अब आप एक मैग्नेट लेंगे एक आयरन स्ट्रिप को टेबल पे रख दिया उसके बाद एक मैग्नेट लेंगे उसको आयरन स्ट्रिप के एक एंड से शुरू करेंगे मान लीजिए ये आपकी मैग्नेट है यहाँ से उसको उसके ऊपर रब करना आप शुरू करेंगे यहाँ से उसको यहाँ तक लेकर आएंगे इस डायरेक्शन से एक वन एंड से दूसरे एंड तक लेके आना है आपको आयरन आयरन स्ट्रिप के ओके यहाँ से यहाँ तक लाए उस बिना उठाए उसके ऊपर रब करते हुए उठाना नहीं है आयरन जो मैग्नेट है आपकी उसके बाद यहाँ से उसको उठा लीजिए और ऊपर उठा के फिर से यहीं पे लाइए एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है फिर से इस तरीके से आप इसको लेके आएंगे फिर से उठा के ऐसे ऊपर से ला के इधर से करते रहेंगे सेम डायरेक्शन में मूव कराते रहेंगे आफ्टर रिपीटिंग द प्रोसेस फॉर एटलीस्ट थर्टी टू फोर्टी टाइम्स बहुत टाइम लगेगा उसके बाद आपकी जो स्ट्रिप है वो भी अगर आप आयरन रखेंगे लोहे की कोई चीज रखेंगे उसको अट्रैक्ट करने लगेगी और एक मैग्नेट बन जाएगी ओके okay? तो फर्स्ट प्लेस द स्ट्रिप ऑन टेबल उसके बाद प्लेस वन पोल ऑफ बार मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ द स्ट्रिप एक बार आ, आ, के पास में बार मैग्नेट रखिए एक उसके एंड पे स्ट्रिप के एंड पे उसके बाद मूव द बार मैग्नेट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन स्ट्रिप इसकी लेंथ के अलोंग उसको क्या करना है आपको मूव कराना है बिना उठाए ओके okay? देन लिफ्ट द मैग्नेट उसके बाद यहाँ आने के बाद मैग्नेट को लिफ्ट करेंगे एंड ब्रिंग द पोल टू द स्टार्टिंग पॉइंट फिर से पोल के स्टार्ट यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर लाएंगे और फिर से सेम डायरेक्शन में करेंगे और इस तरीके से करते करते अगर आप ये डायग्राम बना देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा करते करते आपकी ये जो आयरन स्ट्रिप है ये भी क्या बन जाएगी एक मैग्नेट बन जाएगी ओके okay? अगला क्वेश्चन है हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन कंपास को डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप कैसे यूज करते हैं क्योंकि फाइव मार्क का क्वेश्चन है थोड़ा आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा पहले कंपास लिख दीजिए क्या है कंपास इज अ मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक नीडल दैट रोटेट्स फ्रीली जो कि फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है लेकिन पॉइंट हमेशा एक तरफ ही करती है वह कंपास इज कैप टेट कैप टेट अ प्लेस अगर आप कंपास को एक जगह रख देते हैं यहां पर तो नीडल जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करेगी और उसमें जो रेड एरो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ एक तरीके से पॉइंट करता है ओके देन वेन इज केप्ट एट अ प्लेस द मैग्नेटिक नीडल अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन एंड द रेड एरो ऑफ द कंपास इज नॉर्थ पोल इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और इससे आपको डायरेक्शन का पता लग जाता है दैट इज हाउ इट हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शन ओके चलिए आप पिक्चर भी बना देना इसकी अगर आपकी ड्रॉइंग अच्छी है तो नेक्स्ट इज ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर एंड लेबल द फॉलोइंग वाटर साइकिल का आपको डायग्राम बनाना है पहले ये वाटर बनाएंगे आप यहाँ पर सी वाटर था या वाटर बॉडी जो भी था आपका जहाँ से पानी इवेपोरेट हो रहा है यहाँ से वाटर सन बनाएंगे क्योंकि सूरज की उसमें पानी इवेपोरेट होता है यहाँ पे जो प्रोसेस है इवेपोरेशन पानी इवेपोरेट होता है इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है तो यहाँ से क्लाउड फॉर्म होते हैं बादल बनते हैं क्लाउड्स जो है वो हवा के साथ लैंड के ऊपर जाते हैं क्लाउड तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बनेंगे लेकिन हवा जो एयर है वो उसको हवा उसको इधर लेके जाते हैं यहाँ पर ज़मीन है लैंड है सरफेस है उसके बाद यहाँ पर थोड़ी ठंडी हवा मिलती है तो आपका जो क्लाउड्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं जो प्रोसेस जैसा कि कहा गया था आपको पहले भी कि जब वाटर वेपर से दोबारा से पानी बनता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं तो कंडेंसेशन होता है कंडेंसेशन में क्लाउड्स कंडेंस हो जाते हैं फिर से पानी बन जाता है और वो पानी जब नीचे आता है बारिश बन के तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन बारिश होने को रेनिंग नहीं लिखना है प्रेसिपिटेशन होता है फिर पानी जो है आपका ज़मीन पर आता है वेरियस दोबारा से फिर जाके आपके नालियों के थ्रू वेरियस जो आपके वाटर बॉडीज़ है उसके थ्रू आपके रिवर्स में मिलता है रिवर्स से पानी फिर से यहीं आ जाता है तो इस तरीके से आपका ये जो है कंप्लीट होता है इसकी अच्छे से आप ड्रॉइंग कर लीजिएगा ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट फाइव एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्निंग ऑब्वियसली अगर हवा ना हो तो आप किसी चीज़ को जला नहीं पाएंगे यही होता है ना जब कहीं पर कोई चीज़ जल रही है उसमें से आप हवा की सप्लाई रोक दें कुछ ढक दे उसके ऊपर तो फिर वो बंद हो जाती है दूसरा ब्रीदिंग सांस लेना उसके लिए भी आपको हवा की ज़रूरत है क्योंकि उसी में कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट इज विनोइन आपने देखा होगा अनाज को जब वो करते हैं हम साफ उसके लिए आपको उसकी ज़रूरत है एंड फ्लाइंग काइट लिख दीजिए उसके लिए हवा की ज़रूरत है काइट ओके विंड मिल रोटेशन ऑफ विंड मिल जिससे कि आपने देखा होगा कई स्टेट्स uh, में राजस्थान वगैरह में ऑफ विंड मिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ओके okay? तो वो रोटेट होती है हवा की वजह से वहीं पर ही लगाई जाती है जहाँ पर कि आपकी ज़्यादा वो हो हवा ज़्यादा चलती हो ओके okay? तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि जहाँ पर हवा होगी प्रेजेंस ऑफ एयर से ही पॉसिबल है फाइव एक्टिविटीज़ सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन पेपर होपफुली कैसे क्वेश्चन आते हैं कितनी प्रिपरेशन है आपकी थोड़ा सा क्लियर ज़रूर हुआ होगा आपको सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम